हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो ट्वेल्थ क्लास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट हम आज करने जा रहे हैं जिसमें हम किसी भी गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो इसका यूज क्या है, हम इसको क्यों कन्वर्ट करते हैं। कई बार हमारे पास मान लीजिए सिर्फ गैल्वेनोमीटर अवेलेबल होता है तो सिर्फ गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम उसको एमीटर की तरह उसका यूज कर सकते हैं। कैसे करना है तो एक बार हम बताते हैं। देखो इसमें सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपके सामने है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हमने जोड़े हैं आप इधर देखेंगे। बैटरी एलिमिनेटर है जिसका काम होता है कि ये एसी सप्लाई को जो है वो डीसी में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे एक रियोस्टेट लगा हुआ है, उसके आगे आप देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर है जिसको हम एमीटर में कन्वर्ट करेंगे। उसके आगे एक एमीटर है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स है और ये वन वे की, और इनको हम बोलते हैं, ये जो वायर आपको दिखाई दे रही है इनको हम बोलते हैं कनेक्टिंग वायर्स। क्या बोलते हैं इनको? कनेक्टिंग वायर्स। एक बार हम कनेक्शन को समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी एलिमिनेटर में उसको मैंने जोड़ा है इस कनेक्टिंग वायर के थ्रू रियोस्टैट के इस वाले टर्मिनल पर। यहाँ से फिर करंट जो है इन कॉइल्स के थ्रू होता हुआ, तो यहाँ पर देखो ये जो टर्मिनल है यहाँ से फिर मैंने कनेक्शन इसको कर दिया है गैल्वेनोमीटर के साथ। गैल्वेनोमीटर से जो करंट है वो आगे जाएगा इस एमीटर में। एमीटर का ये वाला जो टर्मिनल है इसको मैंने फिर जोड़ दिया है यहाँ पे बैटरी में नेगेटिव टर्मिनल पे। इस तरह से आपका ये सर्किट जो है वो पूरा होता है। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करूँगा। इधर से जो मैंने कनेक्शन किया है तो करंट इधर से जाके रियोस्टैट से होता हुआ फिर गैल्वेनोमीटर, एमीटर, और इस तरह से ये पूरा जो है आपका सर्किट है। इसके अंदर जो अलग से चीज़ आपको दिखाई दे रही है वो ये है, ठीक है भाई? देखिए अलग से जो चीज़ है वो ये है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स दिखाई दे रहा है सबको। ये रेजिस्टेंस बॉक्स अलग से आपको दिखाई दे रहा होगा, सर्किट में अलग से जुड़ा हुआ है। अलग से मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर के साथ देखो दिखाई दे रहा है, गैल्वेनोमीटर के साथ ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि संट रजिस्टर है जिसका काम क्या है, गैल्वेनोमीटर की सेफ्टी के लिए हमने इसको लगाया है, ठीक है, कि सारा करंट गैल्वेनोमीटर से ना जाए, वो करंट बाईपास हो जाए इस रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू। तो देखो इसको हम ऑन करते हैं और रीडिंग आपने कैसे लेनी है। देखो फाइल यहाँ पे ये देख सकते हैं, इधर देखें तो ये फाइल है। इसमें देखो एक्सपेरिमेंट का नाम देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है, कन्वर्टिंग द गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब मैं डायरेक्ट देखो ऑब्जर्वेशन टेबल पर आऊँगा। ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको ये कॉलम दिखाई दे रहे होंगे, इनमें सबसे पहले कॉलम में आप गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन लिखेंगे, आगे आप गैल्वेनोमीटर जो करंट मेजर करेगा वो लिखेंगे, उसके बाद आप एमीटर जो करंट मेजर करा वो लिखेंगे, और आगे आप डिफरेंस लिखेंगे यानी कि एरर कितना आया वो इसमें लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला काम इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हमारा सबसे साथ के साथ तुम भी लिखोगे, रफ नोटबुक निकाल के रखो, नोट करेंगे। इसमें हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे इसमें, टू फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर। हम गैल्वेनोमीटर का लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे। लीस्ट काउंट क्या होता है सभी को पता होगा ना, लीस्ट काउंट का मतलब है कोई डिवाइस, कोई मीटर कम से कम कितना माप सकता है। तो वो हम गैल्वेनोमीटर का पहले लीस्ट काउंट फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, इधर से मैं इस जो है बैटरी एलिमिनेटर को यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। देखो ये स्विच दिखाई दे रहा है, इसको मैंने यहाँ से ऑन कर लिया, आप देखेंगे इधर लेके वहाँ से इसको एक बार मीटर के साइड में देखो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर के अंदर जो नीडल है वो 30 पे है। थोड़ा सा और क्लोज लेके इसको, ये देखिए गैल्वेनोमीटर में आप देख सकते हैं जो नीडल है वो 30 पे है, ठीक है। अब क्या करना है, आपने लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए क्या करोगे, आपके पास फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू आई बाय एन। लिखो सारे, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय एन, यहाँ पर लिखूंगा मैं। ये देखो ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, आई बाय एन, थोड़ा सा ऊपर करो कैमरे को लिखने दो मेरे को, आई बाय एन। एन हमको पता लग गया यहाँ पे, एन अभी मैंने देखा एन इक्वल टू 30 था, और करंट में फाइंड कर लेता हूँ एक बार एमीटर में। देखो ये, देखो ये एमीटर है, एमीटर के अंदर जो करंट है वो जो मैं मेजर कर पा रहा हूँ, एक बार इसको साइड में करें, 0.2 एम्पियर। एमीटर के अंदर जो करंट है वो कितना है, 0.2 एम्पियर। बेटर होगा आप अगर यहाँ पर जो एमीटर यूज करने वाले हैं वो एमीटर मिली एम्पियर में मेजर करता हो। ये जो एमीटर हमने लगाया है, क्योंकि हमारे पास मिली एम्पियर वाला नहीं था तो मैंने एम्पियर वाला जो है एमीटर लगा दिया है। थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है इसमें रीडिंग को लेने में, लेकिन अगर आप मिली एम्पियर वाला एमीटर लगाएंगे तो उसमें सूटेबल होगा,
क्योंकि उसमें रीडिंग जो है वो नीडल जो है वो 100 200 इस तरह से आपको वैल्यू देगी, मेजर करने में आसानी होगी। चलिए नोट करते हैं वैल्यू। करंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है अब 0.2 एम्पियर, और जो एन है एन कितना यहाँ पे 30, तो ये इस तरह से आपके पास क्या आएगा लीस्ट काउंट आएगा। ठीक है, तो लीस्ट काउंट कितना आ गया 0.2 / 30 करके आपके पास क्या आ गया है लीस्ट काउंट आ गया। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपको गैल्वेनोमीटर का लीस्ट काउंट मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है देखिए, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, इधर लेके आए कैमरा को। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो अभी कितना है, जो थीटा वो 30 है, मैं इसको मान लीजिए 25 पे फिक्स कर लेता हूँ, मैं इसको सेट कर लेता हूँ 25 पे। देखिए ठीक है भाई, तो थीटा कितना हो गया, लिखेंगे साथ में रीडिंग, आप लिख सकते हैं फाइल के अंदर, थीटा मैंने लिख दिया 25, थीटा 25। अब हमने क्या करना है, हमने बार बार एमीटर को देखने की ज़रूरत नहीं है, हमको लिस्ट काउंट मिल गया। आप भले ही एमीटर को यहाँ से हटा दो या इसको आप कवर कर दो, आप एमीटर को कवर कर सकते हैं, इसका आप यूज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हमको रीडिंग ये गैल्वेनोमीटर दे देगा, गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन पता लग गया मेरे को, देखो कितना आया है वो 25 आया है। अब मैं सीधा करंट निकाल सकता हूँ कैसे, गैल्वेनोमीटर जो करंट बताएगा मेरे को वो होगा भाई थीटा को, यानी कि 25 को सीधा सीधा गुणा कर दो जो लिस्ट काउंट हमने पहले निकाला था उससे, आप गुणा करके जो निकालोगे वो आपके पास करंट आ जाएगा जो हमने इस गैल्वेनोमीटर ने हमको बताया है। इतना समझ में आया, एक स्टेप हमारा हो गया। नेक्स्ट जो कॉलम है, नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखना आपने, करंट जो आपको एमीटर शो कर रहा है। इसका काम सिर्फ इतना ही है, ये कॉलम हमने जो एक्स्ट्रा कॉलम जो बना रखा है ना, नेक्स्ट वाला एमीटर वाला कॉलम है और एक कॉलम आपका डिफरेंस वाला है, उनका काम क्या है, एमीटर वाले कॉलम का काम सिर्फ इतना ही है कि वहाँ से हमको एरर पता लगेगा कि कितना एरर आ रहा है, बस और कुछ काम नहीं है उसका। तो देखिए एमीटर अभी जो रीडिंग शो कर रहा है कितनी है, एमीटर अभी जो रीडिंग शो कर रहा है वो कितनी है, देखिए इसमें रीड कर सकते हैं हम, इसका लिस्ट काउंट आपको दिखाई दे रहा होगा 0.05 है, तो यहाँ पे हम रीड कर पा रहे हैं ये वैल्यू जो हमारे पास आ रही है ये आपकी 0.2 के अप्रोक्सीमेट ही है। ठीक है, थोड़ा सा उससे थोड़ा सा कम है, लगभग लगभग हम बोल सकते हैं 0.2 के अप्रोक्स। देखो यही मैं बोल रहा था कि यही प्रॉब्लम आएगी इसमें, ठीक है, अगर आप ये वाला मीटर लगाते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है कि रीडिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार मैं इसको दोबारा से रीड कर लेता हूँ, यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास आएगी, चलो इसको मैं 0.15 मान लेता हूँ। ठीक है, एक बार मैंने इसको मान लिया, जो करंट आ रहा है आपका 0.15 एम्पियर। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने, करंट की वैल्यू कितनी आई 0.15 एम्पियर मान लिया। ठीक है, एक बार आप इसको समझ लेंगे अच्छे से, बाद में तो आपने इसको खुद से ऑपरेट करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आपको मेथड पता लग गया तब कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया देखो 0.15। अब आप क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर ने आपको जो करंट बताया और एमीटर ने आपको जो करंट बताया उन दोनों का डिफरेंस ले लो, वो जो डिफरेंस आएगा वो आप इस लास्ट वाले कॉलम में लिखेंगे। यहाँ पे देखो ये कॉलम दिखाई दे रहा है आपको, डिफरेंस लिखा हुआ है ना, डिफरेंस क्या, डिफरेंस किसका डिफरेंस है कि गैल्वेनोमीटर ने कितना करंट बताया और एमीटर ने आपको कितना करंट बताया, उन दोनों का डिफरेंस कितना है वो आप लास्ट वाले कॉलम में उसको प्लेस करेंगे। पहली रीडिंग आ गई सभी की, इस तरह से पहली रीडिंग लेनी है। अब क्या करना आपने, क्योंकि इसमें देखो जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कम से कम 4, 5, 7, 8 रीडिंग तो लेते हैं ताकि एरर को मिनिमाइज किया जा सके। अब मैं क्या करूँगा, एक और रीडिंग ले लेते हैं। यहाँ पे देखो डिफ्लेक्शन पहले कितने पे था, देखो 25 पे था थीटा, अब मैं थीटा को चेंज कर देता हूँ, थीटा को मैंने मान लीजिए कर दिया अब 20 पे, कितना आ गया देखो एग्जैक्ट है, हाँ ठीक है, थीटा कितना हो गया देखो, अब थीटा लिखो 20, तो गैल्वेनोमीटर कितना करंट देगा, सिंपल है, थीटा को गुणा कर दो किससे, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो, थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे लिस्ट काउंट से, तो नेक्स्ट केस में थीटा हमारे पास कितना है 20, तो गैल्वेनोमीटर करंट कितना देगा 20 × जो भी लिस्ट काउंट आया था उससे गुणा करेंगे। नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे, एमीटर जो करंट बता रहा है, तो एमीटर नेक्स्ट कॉलम में देखो एमीटर कितना करंट बता रहा है, यहाँ पे आपको 0.1 लिखें, नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे एमीटर ने करंट बताया हमको 0.1 एम्पियर, और नेक्स्ट वाले कॉलम में दोनों का डिफरेंस, नेक्स्ट वाले कॉलम में दोनों का डिफरेंस। क्लियर हुआ सबको? इसी तरह से आप 4-5 रीडिंग ले सकते हैं अलग अलग थीटा की वैल्यू के लिए, थीटा की वैल्यू 20 ले ली, नेक्स्ट जो आप थीटा की वैल्यू हो आप 15 ले सकते हैं, उसके बाद
थीटा की जो वैल्यू है वो आप 10 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, और अलग अलग थीटा की वैल्यू के लिए आप गैल्वेनोमीटर से अलग अलग करंट मेजर करेंगे और साथ में आप एमीटर से भी करंट मेजर करेंगे ताकि आपको जो है एरर जो है वो पता लग सके। ठीक है, सभी को समझ में आया? थैंक यू।